टू प्रूव, अगर मान लो ए की डेंसिटी का लिक्विड है, ए की डेंसिटी का लिक्विड है, और मुझे क्या प्रूव करना है कि इसकी हाइट अगर लिक्विड की कैपिटल एच है और होल कितनी हाइट पर है, स्मॉल एच है, तो अगर मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए तो ये जो हाइट है ये कैपिटल एच बाई टू के मिड पॉइंट पे होगी, यानी कि होल को मिड पॉइंट पे करना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर लिक्विड 10 मीटर तक है तो प्रूव करो कि होल 5 मीटर पे होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी। तो ऐसा करने के लिए ये बताओ, सिंगल डेंसिटी का लिक्विड है, शॉर्टकट लगेगा, रेंज का फॉर्मूला क्या करवाया था, 2 × होल की नीचे की हाइट होल के ऊपर की हाइट, तो होल के नीचे की हाइट होल के ऊपर की हाइट रेंज। रेंज को मैक्स करना है या आर स्क्वायर को मैक्स करना है, बात तो एक ही है, तो आर स्क्वायर लेने से फायदा ये है कि अंडर रूट हट गया, इसको मैक्सिमम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एच और इक्वल टू जीरो, तो आर स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया, 4 तो कट गया, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, डी एच बाई डी एच वन है और ये 2 एच सॉल्व करके आंसर आ जाएगा एच बाई टू। क्लियर है यहाँ तक? तो एनसीईआरटी में आ सकता है, पूछ सकता है वो कि होल की हाइट क्या हो ताकि रेंज मैक्सिमम हो, तो आंसर आएगा इसमें h by 2।